नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। बिलासपुर जोन के 27 स्टेशनों का होगा कायाकल्प। काम में लापरवाही बरतने वाले तहसील कार्यालय के 2 रीजन निलंबित। हाई कोर्ट में शिकायत पर कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में मनाया गया ग्रेजुएशन डे। 68 स्टूडेंट्स को मिली डॉक्टर की उपाधि। चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ रहा योगदान। और बिलासपुर वन मंडल के खोंदरा सर्किल में चल रहा जंगल राज। पेड़ों की कटाई कर सरकारी जमीन पर बनाया खेत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। दर्शकों, आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 554 रेल परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और ओवर ब्रिजों के अंडरपास का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। उसलापुर स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी की दोपहर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का शिलान्यास किया। इसके अलावा 83 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखी। कुछ ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं जिनका लोकार्पण किया गया। भारतीय रेलवे के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संवारने और विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 21 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इससे पहले बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे स्टेशनों का शिलान्यास किया जा चुका है। कुछ स्टेशनों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। स्टेशनों को संवारने के साथ साथ अंडरब्रिज और ओवरब्रिज निर्माण पर जोर दिया जा रहा है ताकि रेलवे फाटक बंद होने से दिक्कतें ना हों। इन्हीं में एक अमेरी रेलवे फाटक है, यहाँ आए दिन जाम लगता है। यहाँ 11,52,00,000 रुपए की लागत से जल्द अंडरब्रिज का निर्माण होगा। अंडरब्रिज के आधे हिस्से का निर्माण रेल और आधे को राज्य सरकार पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसकी भी वर्चुअल आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है, हम बड़े सपने देखते हैं और पूरे करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सेवाएं सिर्फ पैसे वालों के खाते में हैं, रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं गरीब भी लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि दशकों तक रेलवे को स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा। रेलवे बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर भी सीधा प्रसारण किया गया था। उसलापुर समेत बिलासपुर रेल मंडल के 44 जगहों पर स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिल्हा नगर के अंडरब्रिज और अन्य कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें बिल्हा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। धादापारा, बिल्हा, भैंसबोड़ और उडगन में अंडरब्रिज का निर्माण किया जाना है। इस निर्माण में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अंडरब्रिज के बन जाने से बिल्हा नगरवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, रेल मंडल के सदस्य अमरजीत सिंह सवन्नी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में बिल्हा रेलवे स्टेशन में पहुंचे थे। इधर उसलापुर रेलवे स्टेशन सहित 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान रेलवे की व्यवस्था से नाराज होकर बच्चों से लेकर बड़े तक कुर्सियां छोड़कर चलते नजर आए। गौरतलब है कि उसलापुर रेलवे स्टेशन परिसर में एक तरफ प्रधानमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास और उद्घाटन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ प्रधानमंत्री श्री मोदी को सुनने और देखने बड़ी संख्या में लोग घंटों जो है टकटकी लगाए हुए थे।
पीएम का इंतजार करते रहे और वहीं दूसरी ओर पूरे कार्यक्रम में रेलवे की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल हमारे कैमरे में कैद इस तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे की व्यवस्था से नाराज होकर कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोग पीएम के वर्चुअल संबोधन के समय ही कुर्सियां छोड़कर वापस लौटते नजर आए। हालांकि इस संबंध में यहां पहुंचे जनप्रतिनिधियों से लेकर रेलवे के अधिकारी तक मीडिया को जवाब देने से बचते नजर आए। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को साप्ताहिक जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीण और आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी और सामुदायिक मांग और समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जो है आवेदन भेजकर समय सीमा में शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए बिलासपुर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर समीर कुमार तिवारी और तखतपुर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ निर्मल शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पचपेड़ी तहसील होगा। इसके साथ ही सिरगिट्टी हल्का नंबर 41 के पटवारी विजय भारत साहू को भी निलंबित कर उन्हें बेलतरा तहसील में अटैच कर दिया है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने बिना रुपए लिए डायवर्शन न करने जैसी शिकायत को लेकर कलेक्टर एसडीएम को तलब किया था। माना जा रहा है इस मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद एक के बाद एक ये कार्यवाही की है। इसके साथ ही जिले के 4 तहसीलदारों को भी जो है उनकी जगह बदल दी है। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल की बैठक में राज्य सरकार की मोदी की गारंटी वाली रामलला दर्शन योजना की तैयारी की समीक्षा की। योजना के समन्वय के लिए जिला पंचायत सीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने डीएमएफ मद की शासी परिषद स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के लिए फाइल प्रस्तुत करने को कहा है। स्वीकृत कार्यों में वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को नए स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण हो चुके काम के लोकार्पण के लिए सूची 27 फरवरी तक जिला पंचायत में जमा करने को कहा है। कलेक्टर ने विभागवार लंबित मामलों में प्रगति की जानकारी लेकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिले में मत्स्य पालन गतिविधि का चयन किया गया है। कलेक्टर ने इसकी कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करने कहा है। मंच से राजनेता कहते हैं उनकी सरकार गांव गरीब की हितैषी है, जरूरतमंदों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा, मगर असहाय और गरीब जब मांगने हाथ उठाता है तो वही राजनीतिक जुमले याद आते हैं। जन दर्शन के लिए कतार में खड़े पंधी गांव के रहने वाले राम प्रसाद सूर्यवंशी के साथ उसकी नेत्रहीन पत्नी और 2 मासूम बच्चे थे। हाथों में कलेक्टर को देने आवेदन का मजमून था, उनके पास आवास नहीं है। आंखों से दिव्यांग पत्नी और छोटे बच्चों के लिए घर पर शौचालय चाहिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन और दिव्यांग पेंशन मिलने से गरीब परिवार को राहत मिलेगी। सरपंच से कई बार निवेदन किया गया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अकेले मजदूरी कर रामप्रसाद दिहाड़ी में मिलने वाले चंद रुपयों से जैसे तैसे 3 बच्चों और नेत्रहीन पत्नी का पेट पाल रहा है। प्रदेश में ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके लाभ का ये गरीब परिवार भी हकदार है। उम्मीद है प्रशासन की आंख जल्दी खुलेगी। हम लोग को बहुत परेशानी है भैया, काहे कि पेंशन लेकर ठीक ठाक से नहीं मिला थे। 350 रुपये देते थे में का कुछ नहीं चले घर परिवारों में, बहुत तकलीफ है। ना चार चार जी बच्चा हवा छोटे छोटे, कमाने वाला सिर्फ अकेला मैं हूँ। ये तो आप आही जावा कान दिखा नहीं, ओकर नाम से मैं आया हूँ भैया कि मोर थोड़ा सरकार हर सुन लेती चीज की। नहीं करा थे और ऊपर से आदेश आए ना तब फिर बनी ऐसे बोले सरपंच बोलते हो इसी सचिव भी नंगा चले हों सचिव भी बोलते हो सने ऊपर से आदेश आया था तो दे हों भाई अपन जेब से थोड़े दे हों ऐसे बोलते। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्ष 2018 के प्रवेशित छात्र छात्राओं का सोमवार को ग्रेजुएशन डे मनाया गया। BDS की पढ़ाई पूरी कर चुके 68 स्टूडेंट्स को डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। कॉलेज प्रबंधन ने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सकरी स्थित न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी BDS की पढ़ाई पूरी कर चुके 68 छात्र छात्राओं को डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। ग्रेजुएशन डे की शुरुआत माँ सरस्वती की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। कॉलेज के डीन डॉक्टर राणा के वर्गीस, अध्यक्ष अशोक अग्रवाल,
वाइस प्रेसिडेंट गजेंद्र धीर और संस्था के सेक्रेटरी राजकुमार खेत्रपाल ने विशेष वेशभूषा में कार्यक्रम की अगुवाई की। अनुभवी शिक्षकों की कड़ी मेहनत, लगन से छात्र छात्राओं को मिली सफलता की झलक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने सभी डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट प्रदान किया। संस्था के डीन डॉक्टर राणा के वर्गीस, अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और सेक्रेटरी डॉक्टर राजकुमार खेत्रपाल ने ग्रेजुएशन सेरेमनी के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे वह पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ पूरा करें और संस्था और परिवार का नाम रोशन करें। Many batches which has passed out, and every time they'll be going with a lot of gratitude, and many of them are in touch. So don't be unfazed with anything. First of all, you should believe in yourself, and if you don't believe in yourself, who will believe? So with confidence, with self-esteem, यह बैच 2018 का बैच है जहाँ के बच्चे आज डॉक्टर बन गए और यह बच्चे बंगाल के, झारखंड के, बिहार के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा टीचिंग किया। हमारी फैकल्टी को भी बधाई देता हूँ, साथ में बच्चों को भी बधाई देता हूँ कि जिन बच्चों ने आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। ऐसे 67 बच्चे थे जिन्होंने आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लिया है। मैं उन सभी को और उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ। हर बच्चों को एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज उनका बच्चा ग्रेजुएट हो गया, BDS बन गया और समाज में सेवा करने के लिए अब वह तैयार है। क्योंकि बिना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस प्रकार से आज हमारे कॉलेज में 67 बच्चों को हमने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की हमने कामना की। कार्यक्रम के दौरान सभी स्टूडेंट्स को शपथ भी दिलाई गई। Which I hold most sacred, that I will be loyal to the profession of medicine and just and generous to its members, that I will lead my life and practice my art न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रति छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कॉलेज में बिताए पल को साझा किया। अभी अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज से एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मम्मी पापा को यही बोलूँगी कि आई विल डेफिनेटली गोना मेक यू प्राउड इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा। मेरी बच्ची डॉक्टर बनी है आज, उनको भी बहुत बहुत बधाई और न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज को भी बहुत बहुत बधाई। अब आगे इसका क्या सपना है अब ये देखेगी, जैसे MD करना चाहेगी तो हम तैयार हैं कराने के लिए इसको। मेरी बेटी का आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और हम लोग का सपना पूरा हो गया है, आगे ये MD करना चाहेगी और होराइजन डेंटल कॉलेज अशोक अग्रवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब वो योगदान रहा है इसमें और डॉक्टर खेत्रपाल का भी। और मैं चाहूँगी कि आगे भी सपोर्ट रहे इसी डॉक्टर का और पेरेंट्स का, ताकि बच्चे हर बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ सके। 5 सालों तक जिस छत और खुले आसमान के नीचे स्टूडेंट्स ने अपना समय बिताया, वहाँ छात्र छात्राओं ने कुछ इस तरह अपनी खुशी जाहिर की।
2018 बैच के सभी 68 छात्र छात्राएं अब अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखेंगे और समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे वह पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मौसम में हुए बदलाव का लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। विदा लेता ठंड का मौसम और गर्मी की दस्तक के बीच तापमान में उतार चढ़ाव आया है, जिससे लोगों में सर्दी बुखार और पाचन तंत्र में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई है। इससे प्रभावित मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है। इन दिनों सिम्स और जिला चिकित्सालय में उपचार कराने लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मौसम के संधिकाल में स्वास्थ्य को बनाए रखने, खान पान और दूसरी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। रात और सुबह ठंड का असर बना हुआ है, जबकि दिन में बादल छाने से गर्मी का एहसास होने लगा है। राजस्व के एक प्रकरण में प्रक्रिया लंबी खींचने और संयुक्त भूमि का बटांकन नहीं करने पर सक्री तहसीलदार की शिकायत कलेक्टर से की गई है। आवेदक महिलाओं को इससे मानसिक परेशानी हो रही है। उन्होंने जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर से मिलकर उनके प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने निवेदन किया। मामले में सकरी तहसील के अंतर्गत ग्राम सैदा की महिलाएं सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। आदेश 10 माह बाद किए हैं, वो भी कोई स्पष्ट नहीं किए हैं, और उसके बाद भी मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए और आवेदक को उसको दे दिया जाए। चिन्हांकित करके हम लोग प्रतिवेदन बनाए थे, उसमें भी वो लोग घुमा के दूसरा प्रतिवेदन बना लिए हैं, और दूसरा प्रतिवेदन को फाल्स को वो लोग स्वीकार करते हुए जो पूर्व में वाजिब प्रतिवेदन था उसको निरस्त करते हुए द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे विरोध में विपरीत परिस्थिति में आदेश का पारित किया है। फिक्स डिपॉजिट का 15 लाख समेत परिपक्व के लाखों रुपए गबन करने का तखतपुर ग्रामीण बैंक के मैनेजर और कैशियर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आरोप लगाया है। जन दर्शन में कलेक्टर से मिलने पहुंचे तखतपुर वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले 74 वर्षीय कृषक निश्चल सिंह ने कहा, जीवन भर की कमाई भविष्य में अपने 3 बेटों को देने वर्ष 2007 में उन्होंने करीब 15 लाख का डीडी बनाकर 8 एफडी कराया था। आवेदन पर पिछले साल ग्रामीण बैंक प्रबंधन ने जमा राशि का नगद आहरण किए जाने की जानकारी खाता धारक निश्चल सिंह को दी तो उसके होश उड़ गए। एक साल हुआ बुजुर्ग गाढ़े पसीने की कमाई वापस पाने बैंक और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैनेजर ने कैशियर से मिली भगत कर उसके एफडी में गड़बड़ी कर रुपयों का गबन कर लिया है। दस्तावेज सौंपकर निश्चल सिंह ने कलेक्टर अवनीश शरण से अमानत में खयानत करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने और जमा राशि ब्याज समेत वापस दिलाने गुजारिश की है। एफडीआर बनवाया था जो 8 नग है, जो लगभग 15 लाख रुपए सन 10 से था, और जिसको ग्रामीण बैंक को मैं रिन्यूअल करने के लिए दिया, तो रिन्यूअल आज करेंगे कल करेंगे करके रख लिए और नहीं दिए। उस भी उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने से पड़ा रह गया। डायरी में अपना सब बना रखा था, तो डायरी को खोला गया बैंक, तो बोलते हैं आप तो केस ले गए हो, और 27/1/10 से मैंने पूरी जानकारी मांगी थी उनसे लिखित में, मेरे को जानकारी 23/11/23 को मेरे को जानकारी दी है। इस बुलेटिन में कौन सी खबरें बनी है हेडलाइंस, आइए एक नजर फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। बिलासपुर जोन के 27 स्टेशनों का होगा कायाकल्प। काम में लापरवाही बरतने वाले तहसील कार्यालय के 2 रीजन निलंबित, हाई कोर्ट में शिकायत पर कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में मनाया गया ग्रेजुएशन डे, 68 स्टूडेंट्स को मिली डॉक्टर की उपाधि, चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ रहा योगदान। और बिलासपुर वन मंडल के खोंदरा सर्किल में चल रहा जंगल राज, पेड़ों की कटाई कर सरकारी जमीन पर बनाया खेत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं आगे खबरों में। बिलासपुर वन मंडल के खोंदरा सर्किल के ग्राम कोरबी हरदीपारा से बांका मार्ग में जंगल के भीतर जमीन पर बेजा कब्जा कर खेत बनाया जा रहा है। जंगल के पेड़ों को काट कर बाड़ भी बनाया
बना लिया गया है। विभागीय अधिकारियों की मौन स्वीकृति के चलते वन भूमि पर कब्जा करने भूमाफिया सक्रिय हैं। बिलासपुर जिले के अंतिम छोर बगदेवा से खोंदरा नेचर कैंप जाने वाले मार्ग पर जंगल में कब्जा किया जा रहा है। खोंदरा सर्किल के हरदीपारा से बांका जाने वाले क्षेत्र के जंगल में वन भूमि पर अवैध तरीके से भूमाफिया कब्जा करते जा रहे हैं। वन भूमि पर ट्रैक्टरों से हाकाई कर वन विभाग की जमीन को कृषि कब्जा बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 से 3 खेत तो तैयार कर लिए गए हैं, वहीं इन दिनों एक नया खेत तैयार किया जा रहा है जिसकी जानकारी इस सर्किल के अधिकारियों को भी नहीं है। इसके चलते वन भूमि के बड़े हिस्से पर धीरे धीरे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है और कृषि की जमीन का रकबा बढ़ रहा है। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। पर्यावरण प्रेमियों में भी रोष बना हुआ है। बड़े झाड़ से आच्छादित जंगल में बेजा कब्जा किया जा रहा है। जंगल के बीच खेत बनाने का काम चल रहा है। जंगल की बेशकीमती लकड़ियों को काटकर कई जगह बाड़ बनाया गया है। विडंबना की बात यह है कि यहाँ बेखौफ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, इसके बाद भी वन विभाग के मैदानी अमले को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस तरह के हालात के बीच जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जंगल के दुश्मनों की दखलंदाजी केवल वन विभाग की निष्क्रियता के कारण बढ़ी है। साल, सरई, चार जैसे पेड़ों से समृद्ध जंगल को नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। जंगल के बीच जहां मैदानी स्थल हैं उसमें मेड़ बनाकर आगामी वर्ष से खेती करने की तैयारी चल रही है। जंगल के विशाल भूभाग में हो रहे बेजा कब्जा को समय रहते कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से अधिग्रहण को बढ़ावा मिल रहा है। जमीन में अवैध बेजा कब्जा की देखा देखी अब दूसरे लोग भी काबिज होने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अरसे बाद शहर में 3 दिन नाटक खेला जाएगा। 1 मार्च से शुरू होने वाले राष्ट्रीय रंग संगम में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत और भोपाल का दुलदुल घोड़ी नृत्य दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण होगा। राष्ट्रीय रंग संगम के 3 दिवसीय आयोजन को खास बनाने इसमें पूर्व रंग समाहित किया है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गुदुम बाजा नृत्य और संगीत के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। पहली नाट्य प्रस्तुति इस दिन संगम थिएटर की ओर से कौमुदी महोत्सव होगी। इसे बिलासपुर के कलाकारों को लेकर शैलेंद्र मणि कुशवाहा ने तैयार किया है। इस कालखंड आधारित नाटक में दृश्य और संवाद संगीत के साथ कदम ताल करते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए कलाकारों ने रोमांचित किया। यशोवर्मन जी महाराज, जो तेज मैंने ग्रीक सैनिकों की आंखों में देखा है वो तेज अपने राज्य के सैनिकों में नहीं है। यहां के लोगों में स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है, एक छल है, विडंबना है जो सांप के भांति राज्य को घेरे हुए है। उसे बंधन मुक्त करो। महाराज मुझे विश्वास है आर्य की नीति से पाटलिपुत्र कुसुम के समान सुंदर और आपकी कीर्ति के भांति निर्मल हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव के निर्देशक और आयोजन समिति के शैलेंद्र कुशवाहा ने कहा काफी प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन होगा। नेहरू नगर के सामुदायिक भवन में अगले दिन राजनांदगांव की गोदना संस्था की ओर से छत्तीसगढ़ लोक नृत्य और इसके बाद नाटक जानी चोर प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह भोपाल के रंग त्रिवेणी के कलाकार वहां का प्रसिद्ध दुलदुल घोड़ी नृत्य से पूर्व का रंग भरेंगे जिसके बाद मंच पर शबरी नाटक की प्रस्तुति होगी। इसमें जो हमारी प्रस्तुति होगी कौमुदी महोत्सव, वो 2000 वर्ष ईसा पूर्व के पहले का नाटक है। कौमुदी महोत्सव चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी है, तो वो अपने आप में एक अनूठा नाटक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग नाटक होंगे। पहले दिन कौमुदी महोत्सव, दूसरे दिन जानी चोर का मंचन होगा जो हरियाणा की लोक गाथा पर आधारित है, और तीसरे दिन शबरी नाटक का मंचन होगा। भगवान राम और शबरी की जो कथा थी उसको मंच पर साकार किया जाएगा। काफी सालों बाद शहर में नाट्य कलाकार जुटेंगे और इस विधा के कई रंग देखने को मिलेंगे। इस आयोजन से न केवल नाट्य गतिविधि का खालीपन भरेगा बल्कि दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन भी होगा। राष्ट्रीय रंग संगम में बहुत से साहित्यकार और कला संस्कृति से जुड़े शख्स शिरकत करेंगे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर।
देवकी नंदन चौक से बृहस्पति बाजार जाने वाले मार्ग पर दाहिने तरफ लंबे समय से सड़क धंसी हुई है। इसके चलते राह में लोगों को 24 घंटे सड़क हादसे का डर सताता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नगर निगम को नहीं है, जबकि नगर निगम के अफसर इस मार्ग से सुबह से शाम तक का आना जाना करते हैं, बावजूद वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देवकी नंदन चौक में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक के जवान ने जानकारी देते हुए बताया कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन आज तक जो है धंसी हुई सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। मेला हमारे छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। मेल मिलाप का ये सशक्त माध्यम भी है। मेला से सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, इसके जरिए लोगों में सांस्कृतिक चेतना भी जागृत होती है। रतनपुर का माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला इसका जीवंत उदाहरण है। रतनपुर में सप्ताह भर तक चलने वाला माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ी लोक कला को यहाँ विशेष स्थान दिया जाता है। इस दौरान 7 दिनों तक इंद्रधनुषी सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम मची रहेगी। इस मेले की वजह से नगर में उत्सव का माहौल रहता है। रतनपुर का माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। आठाबीसा तालाब के तट पर लगभग 500 वर्षों से यह लगते आ रहा है। यहाँ का मेला महज उखरा और मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों तक सीमित नहीं रहता। इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत वैभवशाली रहा है। यहाँ के मेले की एक खास पहचान है यहाँ की मिठाई, जलेबी की दुकान। इसके अलावा यहाँ का सबसे प्राचीन पकवान है उखरा प्रसाद, जिसके बिना मेला अधूरा माना जाता है, जिसमें बड़े बड़े टीले नुमा उखरा की दुकान जो इस मेले के मजा को दुगना कर देता है। राजा महाराजाओं के समय से ये चालू है, जो अभी तक जीवित रखा गया है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे महामाया नगरी में बहुत ही अच्छा ये मेला के थ्रू पूरे लोग, आसपास के लोग, अच्छे ग्रामीण लोग और शहरी लोग, मतलब बहुत लोग काफ़ी उत्साहित रूप रहते हैं कि माघी पूर्णिमा का मेला है। और काफ़ी झूले वगैरह, बच्चे का मनोरंजन वगैरह, और काफ़ी घूमने का तीर्थ यात्रा जगह भी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा से इस माघी पूर्णिमा को यहाँ पे नगर के और पूरे ग्रामीण एरिया से कार्यक्रम और इसमें सब शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और दौर था, यहाँ के मेले की खास पहचान खेल तमाशा, सर्कस, रामलीला, चारों धाम और रेहचुल झूला यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा करते थे। लेकिन आधुनिक परिवेश में जहाँ एक तरफ परंपरागत चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता के दौर में मनोरंजन के साधनों में काफ़ी इजाफा भी हुआ है, जिसका स्थान आसमान छूते हवाई झूला, ड्रैगन झूला, टोरा टोरा, ब्रेक डांस के अलावा मीना बाजार ने ले लिया है। वहीं छोटे छोटे बच्चों की रंग बिरंगी लाइटों से सजे झूले बच्चों को स्वस्फूर्त ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह मेले में हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं और मौज मस्ती का आलम बना हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 18 फरवरी को ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने विधिवत संलेखना धारण कर डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी जैन तीर्थ में देह का त्याग किया। इसके बाद उनके अनुयायियों ने यहां 25 फरवरी को डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी पर्वत समेत देश भर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सम्मान में विनयांजलि सभा का आयोजन किया। रविवार की शाम वेयरहाउस मार्ग पर स्थित कीर्ति स्तंभ में जैन समाज द्वारा विश्व वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर को दीप प्रज्वलित कर भावपूर्ण विनयांजलि दी गई। इस दौरान समाज के लोग गुरुवर के प्रति कृतज्ञ दिखाई दिए। अंजलि देने के लिए पूरे विश्व में भावांजलि सभा के आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में आज सकल जैन समाज बिलासपुर द्वारा सुबेरे भावांजलि सभा का आयोजन किया गया था। उसी श्रृंखला में आज शाम को कीर्ति स्तंभ के सामने दीप प्रज्वलन कराया जा रहा है। यह दर्शा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना संयमित जीवन जिया है और कैसे जो है संयम को पालते हुए अंतिम में भी उन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया है। यह सभी के लिए प्रेरणा है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए और धर्ममय लोगों की सेवा सत्कार करते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। युवा कबड्डी क्लब ग्राम पंचायत मेहमन द्वारा इस वर्ष भी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। रविवार की देर रात तक चले मुकाबलों में दर्शकों की टकटकी लगी रही। पहला पुरस्कार नन्हे बजरंगी टीम बछाली खुर्द को मिला। इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया।
शहर से लगी ग्राम पंचायत मेहमद में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार 25 फरवरी को शुरू इस प्रतियोगिता में रविवार की देर रात फाइनल प्रतियोगिता तक लगभग 40 टीमों ने हिस्सा लिया। दो दिनों तक चली प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक कबड्डी खिलाड़ियों का यहां प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग गांव की पहुंची टीमों को देखने यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े और उनकी प्रतिभा को देखकर उत्साहवर्धन करते रहे। इस प्रतियोगिता का समापन रविवार की देर रात किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली बछाली खुर्द की नन्हे बजरंगी कबड्डी टीम को पहला पुरस्कार 15,555 रुपए नगद और शील्ड प्रदान किया गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर एर्रा क्लब वेद परसदा की टीम रही, जिसे 9,999 रुपए नगद और शील्ड। तीसरे नंबर पर महावीर क्लब दल्हा पोड़ी, जिन्हें 7,777 रुपए नगद। और चौथे नंबर पर मेजबान ग्राम पंचायत मेहमद की कबड्डी टीम रही, जिन्हें पंचायत के पदाधिकारियों ने 5,555 रुपए नगद सहित शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता ने ग्रामवासी सहित यहां आए हुए तमाम दर्शकों को काफी रोमांचित किया। पंचायत के पदाधिकारियों ने आने वाले वर्षों में लगातार इस तरह की प्रतियोगिता कराए जाने की बात कही है। दो दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत मेहमद में रखा गया है, जिसमें समस्त खिलाड़ी बंधु आए हुए हैं और आज ही फाइनल का मैच रखा गया है। कितना पार्टी भाग लिए इसमें? अभी तक 40 टीमों का एंट्री किया जा चुका है। कबड्डी राज्य स्तरीय में जो किया जा रहा है, इसमें एक उत्साह नवयुवक और बच्चों और गांव के द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस प्रकार से नवयुवकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक करा रहे हैं और नेक्स्ट में कराते भी रहेंगे। ये प्रतियोगिता कराने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। लगातार दो वर्ष हो गए हैं हमारे युवा कबड्डी क्लब ग्राम पंचायत महमन और ये दूसरा वर्ष है हमारे ग्राम पंचायत महमन के युवाओं द्वारा हर खेल के लिए आगे बढ़ के बहुत सारे खेल हमारे यहाँ आयोजन होता है, जिसमें कबड्डी भी है, खो खो भी है, डांस भी है और साथ में घड़ी दौड़ भी, जो भी पारंपरिक छत्तीसगढ़ी है या फिर ओलंपिक खेल होता है हमारे यहाँ भव्य रूप से किया जाता है। इसी कड़ी में हमारे युवा साथियों द्वारा दो दिवसीय कबड्डी का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान उप सरपंच नागेंद्र राय, जिला पंचायत सदस्य अंकित गौरहा, डॉक्टर इकबाल अली, शरीफ अहमद, अब्दुल शाहिद भोलू, बजरंग रजक, राम प्रसाद यादव, प्रदीप माकरे, सुरेंद्र बोले, कौशल रजक, किशन यादव, शुभम रजक, पुरुषोत्तम, प्रिंस यादव, लोमेश, रोशन यादव सहित महमंद ग्राम पंचायत के तमाम अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। उसलापुर स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों से खान पान के नाम पर IRCTC रेलवे बोर्ड की तय दर से अधिक दाम वसूल रहा है। तय रेट लिस्ट के अनुसार ट्रेनों और स्टेशन पर यात्रियों को खाना, नाश्ता, पानी नहीं परोसा जा रहा है, मगर IRCTC के अधिकारियों की अनदेखी के कारण उसलापुर रेलवे स्टेशन में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहां के अमूमन सभी खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडर खाद्य सामग्री में रेट और तारीख का स्टिकर तक नहीं लगाते। आपको बता दें कि कटनी रूट की सभी गाड़ियां उसलापुर रेलवे स्टेशन से होकर चलती हैं। इसके साथ ही बिलासपुर से छूटने वाली ट्रेनों को भी अब उसलापुर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके कारण यहां जो है यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिसका फायदा स्टॉल संचालक उठा रहे हैं। वहीं IRCTC के अधिकारियों को उसलापुर स्टेशन की ओर झांकने तक का समय नहीं है। आप अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। ठगी या आपके साथ कुछ गलत होता है तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी इसे आप नहीं रोक सकते। समाचार देखिए, अपनी समझ बढ़ाइए। नमस्कार।